है और यहीं पे परिक्रमा होता है और इसी को लेकर के ये भ्रांति फैली थी कि इस मंदिर में भूल भुलैया है, भूल भुलैया के भी नाम से जानते हैं, भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं, जाते नहीं आते जी जी, भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर के प्रांगण को दिखाएंगे कि यही मंदिर का प्रांगण है और ये इसी मंदिर में विराजमान भगवान शिव का मंदिर है, माता दुर्गा का मंदिर है। नमस्कार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के साहू पोखर स्थित राधा कृष्ण राम जानकी दरबार मंदिर में। दरअसल इस मंदिर को लेकर के एक अफवाह है कि इस मंदिर के नीचे एक तहखाना है। मैं आपको ये मंदिर दिखाना चाहूंगा और मंदिर के पुजारी हैं जो यदुनंदन सहाय जी हैं, उनसे भी आपको बातचीत कराऊंगा कि इस बात को लेकर के कितनी सच्चाई है और क्या है। वर्तमान समय में यह मंदिर महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के अधीन है और पटना का महावीर मंदिर न्यास बोर्ड जो है वही इस मंदिर का देख रेखाव करता है। तकरीबन ये मंदिर कितने साल पुराना है? 300 वर्ष पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर को लेकर के कुछ भ्रांतियां फैली हुई है, उसी भ्रांतियों को हम मिटाएंगे। इस मंदिर के विषय में बताइए, पहले इनका नाम बताइए और इस मंदिर के विषय में बताइए। जी शिवैत जी 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 हाँ, ये मंदिर जब शुरू शुरू जब आए तो लोग कहे कि इसमें आते हैं जो फिर वापस नहीं लौटते हैं, इन्हें में लड़का लड़की शादी होके आया, बरियाती हुआ, 50 होके आया, फिर होकर में फिर वापस नहीं लौटे, नाना तरह के भ्रांति बाकी सब जी झूठा है। तो आप जब आए, कब आए आप इस मंदिर? 2005 18 अगस्त 2005 में जी आए, 2005 में आज किस अष्टमी के दिन जाए, तकरीबन 17 साल आपको इस मंदिर में हो गए। जी जी, मंदिर प्रांगण में ही रहते हैं? जी हाँ, मंदिर प्रांगण में, दो छोटा छोटा बच्चा के। तो जब आए थे तो क्या सुन रहे थे भ्रांतियां, क्या क्या सुने थे आप? कि जो वहाँ जाते हैं वो निकल के बाहर नहीं आते हैं, वो हुए रह जाते हैं, और वहाँ नीचे भी मंदिर है, हम ये अफवाह है। ये रात के रस्सी के भी लोग देख के कहते हैं कि सर्प है, बल्कि एकदम अफवाह है जी, कहीं कुछ नहीं है। ये अहियान जो लोग आते हैं बहुत शांति अनुभव करते हैं, बाहर बाहर से जो साधु संत आते हैं वो कहते हैं कि घोर शांति है, ये तपस्या के जगह। तो ये चीजें जो थी, इस मंदिर में जाते हैं वापस नहीं आते, ये सारी भ्रांतियां जो थी इसे आप खारिज करते हैं? जी जी जी, ये कुछ नहीं। 17 साल से आप इस मंदिर में रह रहे हैं जी, आपको कभी ऐसा लगा कि ये सारी बातों में सच्चाई कुछ लगी आपको? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं जी। तो और इस मंदिर के बारे में बताइए, क्या बना है ये दरवाजा, क्या इसी दरवाजे को लेकर के भर में क्या ये जो रास्ता है? ये परिक्रमा है जी, ये परिक्रमा है जी, एक बारी परिक्रमा रास्ते को हम आपको दिखाएंगे जी, परिक्रमा एक बारी परिक्रमा रास्ते को दिखाए, इसी रास्ते को लेकर के वो भ्रम था क्या? जी जी हाँ जी, ये परिक्रमा का रास्ता है, इसी रास्ते से महाराज जी है जी, जो मैं बता रहे हैं कि ऐसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं, जहाँ की एक भ्रांति फैली थी, एक अफवाह था कि जी इस मंदिर में जो आता है वो वापस नहीं जाता, इस प्रकार की तमाम तरह की चीजें थी, लेकिन ये सारी चीजें महज अफवाह है, हमसे भी जानते हैं, जाते नहीं आते जी जी, भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर के प्रांगण को दिखाएंगे कि यही मंदिर का प्रांगण है और ये इसी मंदिर में विराजमान भगवान शिव का मंदिर है, माता दुर्गा का मंदिर है और इस मंदिर को लेकर के जो अफवाह थी कि यहाँ तहखाना है, ये सारी चीजें हैं जिसे महाराज जी खारिज करते हैं, इसमें कहीं से भी कोई सत्य नहीं है। तथ्य यही कहते हैं कि परिक्रमा के लिए रास्ता बनाया गया, उसी रास्ते से हम जा रहे हैं और फिर उस परिक्रमा के रास्ते से घूमते हुए हम उसी स्थान पर पहुंच गए जिस स्थान से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। तो तमाम चीजें हैं जो लोग इस मंदिर के बारे में अफवाह उड़ाते हैं वो गलत है जी, आपके अनुसार? लोग आते हैं तो कहते हैं कि ये तो स्वर्ग है, ये तो मंदिर मुजफ्फरपुर में ऐसा नहीं है, उत्तर बिहार में ऐसा मंदिर नहीं। क्यों ऐसी अफवाह फैलाई गई होगी, क्या लगता है आपको? अब पहले लोग के लोग क्या समझ में था, 17 साल में आपको कुछ एहसास? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, हमको तो लगा कि एकदम स्वर्ग है, वैकुंठ अयोध्या है, एकदम वृंदावन है जी। जी जी, तो यदुनंदन दास हैं हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि ये मुजफ्फरपुर का साहू पोखर स्थित राम जानकी राधा कृष्ण दरबार का मंदिर है। इस मंदिर को लेकर के जो अफवाह है, भ्रांतियां हैं कि इस मंदिर में तहखाना है या फिर इस मंदिर में पहले जो लोग आते थे वो वापस नहीं जाते, तमाम बातों को खारिज करते हैं। 2005 से इस मंदिर में पुजारी के तौर पर है, 17 वर्ष इन्हें यहाँ हो गया। न्यूज 18 के लिए अभिषेक रंजन मुजफ्फरपुर से।